हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए फ्रेंड। तो ये मेरा माय फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड। और अभी मैं पूरा सामने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है मेरे घर पे, तो मैं अभी तो नहीं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ फिलहाल। आप लोग तो मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों से तो छुपाना नहीं, आप ही लोग तो मुझे फेमस करेंगे फ्रेंड। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें मेरे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी फेमस हूँ फ्रेंड। इतने दिन हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, तो आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड, तो मैं भी जल्दी से फेमस हो जाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड, यही कहना चाहूँगी मैं। और मैं सभी को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ अपने घर पे। जब मैं फेमस हो जाऊँगी तो मैं अपनी फैमिली को दिखाऊँगी, मिलाऊँगी आप लोगों से, और मैं भी अच्छे से आप लोगों से बात कर पाऊँगी फेस टू फेस। तो फ्रेंड, आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड। और फिर मैं चलती हूँ अभी लंच बनाने, तो आप लोग ज़रूर मेरा साथ दें फ्रेंड। और तो उम्मीद है लो फ्रेंड कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा वो है, निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ दें, सपोर्ट दें। तो फ्रेंड, मैं अभी चलती हूँ लंच बनाने, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। वैसे फ्रेंड, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड। आप लोग एक लाइक करने में क्या होता है भाई, अंगूठे में दर्द थोड़ी ना होगा। आप लोग एक लाइक कर सकते हैं फ्रेंड अपनी दोस्त के लिए, तो आप दोस्त कुछ भी मान सकते हैं मुझे फ्रेंड। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड, प्लीज़। तो फ्रेंड, मैं चलती हूँ किचन की तरफ, चल रही हूँ किचन की तरफ। तो मैं तो फ्रेंड देखिए, मैंने आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और मैं हरी धनिया पत्ती डाल दूँगी क्योंकि मैं बनाते समय वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो अब मैं रोटी बनाने चल रही हूँ। ये देखिए, मैं रोटी अच्छे से बेल के और सेक लूँगी मैं रोटी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ सर्व करके फ्रेंड। तो ये देखिए, मैं रोटी बेल रही हूँ फ्रेंड, और मैं चौके पर नहीं बेलती हूँ, मैं इसी पे बेलती हूँ क्योंकि इस पे मुझे सरल लगता है। कितनी भी बड़ी बेल सकते हैं आप। और ये देखिए फ्रेंड, मेरी कितनी फूली फूली रोटी बन रही है। मेरा घर का आटा है, रात में भिगो के गेहूँ रख देते, फिर सुबह सुखा के फिर चक्की में पिसाते हैं, तो बहुत ही ये यम्मी रोटी है। तो फ्रेंड, मैं सारी रोटी ऐसे ही सेक लूँगी, और इतनी मुलायम मेरी रोटी है कि आप, मैं बता नहीं सकती हूँ कुछ फ्रेंड। तो इधर मैंने लाई रख दिया है, अब इसको मैं गरम कर लूँगी, डब्बे में भर के रख दूँगी क्योंकि रोज़ तो तला भुना नहीं खा सकते चाय के साथ, तो ये मैं चाय के साथ खाऊँगी, फाइबर खाना चाहिए। देखिए फ्रेंड, मेरी थाली शर्फ है दोपहर की। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट गोभी की सब्ज़ी है, ये देसी गोभी है। सब्जी चावल मैंने बनाया है, रोटी बनाया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि ये जितनी दिखने में स्वादिष्ट है, अरे जितनी दिखने में अच्छी लग रही उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है फ्रेंड। ऐसी सब्जी मिल जाए तीखी तीखी तो फिर क्या कहना। और मूली का अचार है, फिर मैं पहुँच गई 4 बजे के आसपास में टहला, खूब एक्सरसाइज है। अभी बैठोगी क्या? बहुत ही बड़ा बैठती हूँ आके। बहुत सारी भीड़ रहती है इस बार, बहुत से लोग आते हैं, तो खाना खाने के बाद वैसे भी टहलना चाहिए। तो मैंने दोपहर में आराम किया, फिर पार्क चली गई, फिर वॉक किया, फिर मैंने मशीन चलाया, फिर वहाँ से निकल के देखी मेरी फ्रेंड है और दोनों लोग वापस वही पार्क से बातें करते हैं।
तो हम लोग टहल रहे थे, फिर एक लोग मिल गई, फिर यहाँ ये देखिए कितने छोटे छोटे बिल्ले, तो ये बहुत मतलब रोज जाते हैं तो पहचानता है, तो इसको बुलाओ तो ये बहुत आता है। तो आज इसके लिए बिस्किट ले जाना मैं भूल गई थी, फिर वहाँ से आई पार्क से टहल के, तो शाम का वक्त था, तो फिर सबकी फरमाइश थी कि पकौड़ी बनाओ, तो मैं प्याज और पत्ता गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने थोड़ा सा मक्के का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा बेसन मिला के फिर मैं ये पकौड़ी बना रही हूँ। और चाय, ये है मेरा पूरे दिन की दिनचर्या। तो आप लोग फ्रेंड मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगते हैं मेरे वीडियो। ये माई फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब।